तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब दोस्तों और नहीं मिलेगा फ्री अनलिमिटेड 5G डेटा। अब अनलिमिटेड 5G डेटा पर लिमिट लग चुकी है। अब ये हुआ है दोस्तों वोडाफोन नेटा बी के कारण। तो अब आज की वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा अब आप लोगों को अनलिमिटेड 5G डेटा पर कितनी लिमिट मिलेगी, मतलब आप मैक्सिमम कितना डेटा यूज कर पाओगे और क्यों ये वोडाफोन नेटा बी के कारण हुआ है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भैया, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर 2016 में जब जियो आया था तो जियो यहाँ पर सभी को अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, सभी कुछ अनलिमिटेड दे रहा था फ्री में। उस समय यहाँ पर क्या था कि 4G नेटवर्क पर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी काम कर रहे थे। उस समय ये दोनों कंपनियां यहाँ पर ट्राई को कंप्लेंट करती हैं कि ये जियो जो है वो यहाँ पर कस्टमर गेन करने के लिए अनलिमिटेड फ्री डेटा दे रहे हैं। तो उस समय यहाँ पर इन लोगों का जो भी यहाँ पर ट्राई ने कंप्लेंट लिया था वो रिजेक्ट कर दिया। जियो ने उस कंप्लेंट पर सफाई देकर उस कंप्लेंट से छुटकारा पाया। अब की बार दोस्तों यहाँ पर अकेला वोडाफोन नेटा बी ने कंप्लेंट की है, क्योंकि दोस्तों एयरटेल और जियो इस बार अनलिमिटेड फ्री 5G डेटा ऑफर कर रहे हैं। इस बार दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, वोडाफोन नेटा बी ने अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर को लेकर शिकायत की है, जिससे कि ट्राई की तरफ से जियो और एयरटेल को जोरदार फटकार लगाई गई है। वोडाफोन नेटा बी ने कहा है जो जियो और एयरटेल है वो अपने ग्राहकों को फ्री में अनलिमिटेड 5G डेटा दे रहे हैं, ये कंपनियां आपके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। तो इसीलिए दोस्तों ट्राई ने जियो और एयरटेल को जोरदार फटकार लगाई। ट्राई ने एयरटेल और जियो कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा कि उसकी तरफ से अनलिमिटेड 5G डेटा को साफ सुथरे शब्दों में टर्म एंड कंडीशन की जानकारी देनी होगी। तो ट्राई ने ये जोर दिया कि बताओ कि क्या कंडीशन है आप लोगों की, क्यों यूजर को आप लोग फ्री में अनलिमिटेड 5G डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। तो सबसे पहले एयरटेल ने यहाँ पर जवाब दिया है। एयरटेल ने साफ किया है कि उसके अनलिमिटेड 5G डेटा का मतलब है कि 30 दिनों में अधिकतम 300 GB डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता है यूजर। तो दोस्तों इससे यहाँ पर एयरटेल ने साफ कर दिया है कि आप लोग अगर एक महीने का, जैसे कि इनका प्लान है जिसमें अनलिमिटेड 5G डेटा मिल रहा है 239 का, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को अनलिमिटेड नहीं अब यहाँ पर 300 GB डेटा मिलेगा एक महीने के लिए। और दोस्तों फिर जवाब यहाँ पर जियो से मांगा, जियो ने कुछ कमाल का जवाब दिया है। जियो ने कहा है हमारा नेटवर्क बहुत वीक है, जैसे कि हम अनलिमिटेड बता रहे हैं मगर यूजर अनलिमिटेड डेटा यूज नहीं कर सकता है क्योंकि हमारे नेटवर्क में बहुत कम स्पीड से इंटरनेट चलता है, तो इसीलिए हमारे हिसाब से वो अनलिमिटेड डेटा नहीं हुआ। नेटवर्क कमजोर होने के खातिर यूजर ज्यादा डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा जियो का जवाब। अब दोस्तों जियो और एयरटेल ने बताया कि वोडाफोन नेटा भी खुद अनलिमिटेड 4G डेटा ऑफर कर रहा है। उनके कई सारे प्लान है जिसमें यहाँ पर रात के 12 से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड 4G डेटा मिल रहा है। ऐसे में जियो और एयरटेल के अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान को लेकर शिकायत का कोई मुद्दा नहीं बनता है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सही बात है एयरटेल और जियो की, क्योंकि ये भी यहाँ पर अपने 4G नेटवर्क पर यूजर्स को अनलिमिटेड 4G डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा वोडाफोन नेटा बी कंपनी क्यों हम यूजर्स का नुकसान करने पर तुली है। तो वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो वोडाफोन नेटा बी ने कंप्लेंट की है वो यहाँ पर ट्राई की तरफ से रद्द कर दी गई है, रिजेक्ट कर दी गई है। तो अब ये साफ हो चुका है कि एयरटेल में आप लोगों को 300 GB का डेटा मिलेगा एक महीने के लिए और जियो में तो आपको अनलिमिटेड ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। बाय बाय।